क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें भी वही बात है, हम लोग को u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि u जो है हम लोग का x स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा और उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी कि x खत्म हो जाएगा, यानी कि दो बार बनाना होगा, यानी कि दो बार बाय पार्ट्स लगेगा। पहले पहला पार्ट u इंटू v, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हम लोग का u को रखना है इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और पूरा का dx। पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, u ये u है, u को बाहर रखना है, x स्क्वायर इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, बीच में माइनस का साइन, ये x स्क्वायर यहाँ डिफरेंशिएशन में रहेगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx और पूरा का ये dx। अब चेक करो, ये x स्क्वायर है, ये e टू द पावर x ही रहेगा, इसका हो जाएगा 2x e टू द पावर x dx, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 x e टू द पावर x। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 2। अब इसको वापस सॉल्व करेंगे इसी फॉर्म में, कैसे किया था, u को रखेंगे v का इंटीग्रेशन माइनस dx बाई dx इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx और पूरा का dx अप टू माइनस 2 को अंदर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स अगर कॉमन निकालता तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस सी। फाइनल आंसर।